माई सेल्फ वरुण कुमार, दिस वीडियो फॉर 11th क्लास, चैप्टर गैसियस स्टेट। नाउ वी डिस्कस डिफ्यूजन लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दिस लॉ गिव बाय ग्राहम इन 1829। इस लॉ को 1829 में टी ग्राहम द्वारा दिया गया था और इन्होंने गैसों के डिफ्यूजन के लिए यह लॉ दिया था। और डिफ्यूजन क्या होता है कि जब कोई गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव होती है पोरस किसी पोर्स के द्वारा, तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के लिए इस लॉ को दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक, यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर पर जो गैस है उसका जो रेट है डिफ्यूजन का वो स्क्वायर रूट होगा उसके डेंसिटी के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, यानी स्मॉल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वन अपॉन डी, और इसको हटाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल को तो आर इक्वल के अंडर रूट वन अपॉन डी। अगर गैस एक से ज़्यादा हैं तो आर वन इक्वल के अंडर रूट वन अपॉन डी वन, इक्वेशन वन। आर टू इक्वल के अंडर रूट वन अपॉन डी टू, ठीक है, इक्वेशन टू। और दोनों को सॉल्व करेंगे तो आर वन अपॉन आर टू इक्वल अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन। ठीक है, तो ये इधर डी वन डी टू क्या डेंसिटी है। अगर इसके जगह हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो मॉलिक्यूलर मास के लिए जो ग्राहम्स का जो इक्वेशन होगी वो होगी आर वन अपॉन आर टू इक्वल अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन। क्लियर है।